So, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज में। आराम से आप सबको स्वागत है आज के टेक न्यूज के एक फ्रेश न्यू एपिसोड में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पास में रखा हुआ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते वीडियो के तरफ। पहला अपडेट निकल के आता है मेरे गेमर्स भाई लोगों के लिए, बहुत ही तगड़ा गुड न्यूज है क्योंकि मीडिया टेक और जियो ने पार्टनरशिप करके लॉन्च करने वाला है गेमिंग मास्टर 2.0। ये एक्चुअली में BGMI का एक टूर्नामेंट है और जिसको स्पॉन्सर कर रहा है जियो और मीडिया टेक। इसका प्राइज मनी रखा गया है 12.5 लाख रुपए और ये जो टूर्नामेंट होने वाला है ये चालू होने वाला है 23 नवंबर से और ये खत्म होगा 10 जनवरी 2022 में। आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर वहाँ पे विजिट कीजिए और आपको अगर लगता है कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, प्राइज मनी बहुत है। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 11T 5G ये इंडिया में लॉन्च करने वाला है 30 नवंबर को। और इसका फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको मीडिया टेक डायमंडसिटी 810 चिपसेट, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 6.6 इंच की फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले और साथ ही में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और ये 3 कलर में आ रहा है। सो देखते और क्या इसमें से नया देखने को मिलता है हम लोगों को। सो वेट करते 30 नवंबर तक। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, गैलेक्सी S21FE इसका फर्स्ट लुक और स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुका है। ये फोन 4 जनवरी 2022 में लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो जो बाहर आ चुका है वो आप लोगों को बता ही देता हूँ। इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें आपको 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, 15 वाट का फर्स्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आते हैं Huawei की तरफ से, Huawei का Matebook ई टैबलेट चाइना में लॉन्च करने वाला है 17 नवंबर को और साथ ही में ये भी पता चल रहा है कि ये टैबलेट इंडिया में भी देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ तो Xiaomi अपना 12 सीरीज का स्मार्टफोन लाने वाला है बहुत ही जल्दी। उसमें आपको Xiaomi 12 जो है उसमें आपको 1080p का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 12 प्रो और अल्ट्रा जो है उसमें आपको 2K का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ लीक्स निकल के आ रहा है। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है लावा की तरफ से, लावा अग्नि 5G कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ था और इसका पहला सेल शुरू होने वाला है 19 नवंबर से। यस, और एक अपडेट इसके बारे में निकल के आ रहा है कि आपको 2 साल तक इसमें सिस्टम अपडेट देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि 3 साल तक आपको सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी देखने को मिले। सो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ तो अभी ट्रेंड चल रहा है फास्ट चार्जिंग का और फास्ट चार्जर हर एक फोन में देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी के आने वाले टाइम में आपको 125 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, वो भी ये सारे मॉडल में, Realme GT 2 Pro, OPPO का Find X 4 सीरीज में, OnePlus का 10 Pro और OPPO N सीरीज के स्मार्टफोनों में, Reno 8 Pro में भी आपको ये 125 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। सो देखते हैं कब तक ये सारे मॉडल्स लॉन्च करते हैं और हम लोगों को ये फर्स्ट चार्जर देखने को मिलता है। सो चलिए दोस्तों इस हफ्ते की टेक न्यूज यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में साथ में रखा हुआ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।